Yes, namaste friends. A warm welcome to all the viewers of PMC Gujarat. Aap sabhi ka swagat hai. Welcome once again. Sabhi ko mera pyar bhara namaskar. Main hu Priyanka Jain, Ahmedabad se. Sarvapratham Brahmarishi Pitama Patri sir ko pranam karti hu. Aur sabhi masters jo bhi yahan maujood hai, sabhi ko shat shat namaskar. So, हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ. कल्पना जी, आपको एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक, खाना किस तरह से हमें खाना चाहिए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लाइफ में, उसका महत्व, क्योंकि हम सिर्फ खाने के पीछे ही भागते रहते हैं. आज आपको पता चलेगा कि उसका क्या महत्व है. सो यस कल्पना जी, ओवर टू यू. वेलकम वेलकम कल्पना जी, आपका स्वागत है. थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू थैंक यू. यस, सबसे पहले पितामह ब्रह्मर्षि पत्री गुरु जी को मेरा साष्टांग पैर भरा भाव भरा वंदन. धीरेन्द्र सर, पूजा जी, प्रियंका जी, रचना जी और यहाँ पे पधारे हुए सब ग्रुप में सभी मास्टर्स, सभी मेंबर्स, सभी सभी को मेरा प्यार भरा, आत्म भरा और बहुत बहुत अच्छे से नमस्ते, बहुत प्यार से. आज तो प्रियंका जी आपने ऐसा सब्जेक्ट दिया है ना खाने के बारे में, जैसे कि मैंने देखा है अगर किसी को पूछते हैं ना भाई क्या कर रहे हो, किधर भाग रहे हो, तो बोलते हैं अरे क्या करें, ये पापी पेट का सवाल है, काम धंधा करना पड़ता है, कमाना पड़ता है. मेरा एक फ्रेंड, मतलब स्वाध्याय फ्रेंड, जेंट्स है, अकेला है, शादी नहीं किया, 50 ईयर्स, कभी नहीं करेगा अभी, तो अकेला है, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. तो हमारे साथ मेडिटेशन करते हैं, प्रवचन, विचारों का लेन देन होता है, तो ग्रुप बनता था. अभी तो नहीं है, अभी सब अपना अपना करते हैं, पहले की बात है. तो हम उसका वेट करते, वो सबसे लास्ट आता था, बल्कि ना बीबी है ना बच्चे, ना उसको कुछ करना है, सब अपने मतलब परिवार वाले, उसको जो भी करना है जितना करना है वो कर सकता है, नहीं तो उसको कोई जरूरत नहीं थी. तो एक बार मेरा दिमाग घूम गया, इसकी वजह से सबको लेट होता है और हम लोग को फिर घर जाके भी काम होता था, ये बादशाह अपना लेट आते थे. फिर मैंने तो पूछ ही लिया कि क्यों, उसका नाम चेतन है, बोले क्यों चेतन तुम इतना लेट क्यों आते हो, इतना क्या करते हो तो लेट आते हो. बोलता है क्या करूं भाभी, पापी पेट का सवाल है. मैंने बोला अच्छा यार तू तो अकेला है, फिर भी तेरा पापी पेट का, तू तो अपने भाइयों और भाभी के साथ खा लेता है, अलग से क्या करने की जरूरत है. बोले नहीं, ये पेट को ना बहुत लगता है. मैं बोली तेरा पेट तो अगर इतना इतना, बिल्कुल सबके पेट इतने ही है एक ही के, और एक पेट के पीछे तू 14 घंटे काम कर, इतना पेट खाता क्या है तेरा पेट. तो हंसने लग गया, मतलब एक ये आम तौर की लैंग्वेज है कि हम क्यों करते हैं, तो पेट के लिए करते हैं. मैं तो हैरान रहती हूँ, पूरी दुनिया इतना बिजनेस, इतनी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ इतने से पेट के लिए करती है, इतना खाते हो. हम आज तक, पहले तो हम ये देखेंगे कि हम इतना क्यों खाते हैं, ऐसा क्या होता है पेट में रोज के रोज. जैसे ही सुबह निकलती है, कोई कोई तो बेड पे ही शुरू हो जाते हैं, बेड टी, कुछ कुछ पता नहीं. हम देखेंगे आज, हमारा हिसाब करेंगे. तो मैं ये आपको अभी मेरे खुद को पकड़ के, सभी का एक जनरल प्रेडिक्शन है कि हमने आज तक कितना खाया है. जब आप ये रेशो सुनेंगे ना, बहुत हंसोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उस टाइम हंसी थी जिसने मुझे ये बताया था. उसके बाद मैंने बहुत चिंतन किया, फिर फॉलो किया, और आज की जो कल्पना है वो पहले वाली नहीं है. जो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाती थी, हर एक चीज टेस्ट करना है, हर एक चीज को खा खा के देखना है, सुंग सुंग के देखना है, ये मेरी आदत थी. तो सूंघा, टेस्ट किया, अच्छा लगा, फिर खाया, बस खाते रहो. तो ये नहीं होता है. तो हमने आज तक कितना खाया, सभी, जैसे हमारे ग्रुप में कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का, इट्स ओके, तो 30 निकाल लो. अपने दिमाग में चल वो मैथमेटिक्स करते रहो, अपने को कोई एग्जाम नहीं देना है, बल्कि बस एक जनरल प्रेडिक्शन देखना है कि हमने आज तक कितना खाया. और इतना खाने के बाद भी वही प्रॉब्लम है वापस. आज अगर कोई पूछे ना कि कल्पना बहन आपको पूरनपोली खाना है, जलेबी खाना है, वापस हमारा सलेवा शुरू हो जाता है. तो हम देखेंगे कि आप, हमने आज तक क्या कितना खाया है. इट्स ओके, सब तैयार है पेन डायरी लेके.
प्रियंका जी, रचना जी, सब तैयार है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस, आ रही है। अभी बीच में गई थी क्या? नहीं, एक मिनट के लिए आप कंटिन्यू करिए। यस जी, सभी लोग अपने अपने अगर पास में पेन डायरी हो तो लेके बैठे। ओके, हम देखेंगे कि बचपन में जैसे हमने हमारे माँ का दूध छोड़ा और अनाज खाना शुरू कर दिया, जैसे कि आजकल की मावे तो 6 महीने के बाद ही शुरू कर देती है सूप, जूस, पता नहीं क्या क्या। तो जब से हमने माँ का दूध छोड़ा और खाना पीना शुरू किया, तब से हम हमारा वो शुरू करेंगे कितना खाएं। देखो, सुबह उठते ही कोई गर्म पानी पीता है, कोई काढ़ा पीता है, कोई बेड टी पीता है। जैसे ही 2 साल के बाद अगर छोटा बच्चा है तो वो कुछ पानी पिएगा, गर्म पानी पिएगा और कुछ पिएगा। जवान लोग हैं, बेड टी पिएंगे। हमारे जैसे 60+ है तो हम गर्म पानी काढ़ा पिएंगे। तो 2 साल, यानी अभी मैं 60 की हूं, तो 58 ईयर्स मैंने सुबह कितना काढ़ा आज तक पिया, 50 ईयर्स ओल्ड। मतलब जो भी अपना अपना हिसाब लगे, हो गया सुबह काढ़ा सूप जूस जो भी पिया। उसके बाद कुछ आधी घंटा के बाद हमने चाय, कॉफी, दूध, कुछ भी पियो, जो जो अपना अपना जो भी पीते हैं, हाँ, चाय, कॉफी, दूध में से कुछ भी, तीनों भी, दोनों भी, एक भी, और कुछ कोई अलग से पीता होगा, इट्स ओके। उसके साथ हमने ब्रेड, बिस्किट, दूध, अपना ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट और ब्रेड, खाकरा, पराठा, जो भी जैसा भी खाता है, कितना खाया होगा आज तक, जहां से आपने शुरू किया तो आज तक, आज सुबह तक हमने खाया है। ये हो गया चाय पानी। उसके बाद 9:30 को नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जो हमने 2 साल की उम्र से शुरू किया है। हमारी आजकल की मावे तो ठूसती है, केला ठूस, एप्पल ठूस, मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है, मेरा बेटा कुछ, तुम ठूसोगी तो कहां से खाएगा, उसको भूख तो लगने दो यार। बट ठीक है, हमारी केयर होती है, हमें फिकर होती है बच्चों की, इट्स ओके। तो ब्रेकफास्ट, पेट भर के, आजकल बोलते हैं हेवी ब्रेकफास्ट खाना, तो उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स आ गए, भिगोए हुए बादाम और जो भी है अखरोट वगैरह, वो भी आ गया, ड्राई फ्रूट आ गया, फ्रूट आ गया, और उपमा, पोहा, इडली, जो भी खाते हो, ब्रेकफास्ट यहाँ तक आ गए। फिर दोपहर का लंच, आज तक का, पहले से लेके आज तक, दोपहर के लंच में है दाल, सब्जी, रोटी, कोशंबी, और कोई नमकीन, कोई मीठा, पराठा, रोटला, जो भी आप खाते हो, जैसे ग्रीन सब्जी, सूखी सब्जी, जो भी खाते हो, एक थाली भर के। आजकल बताया जाता है कि थाली में सब कुछ रस होना चाहिए, अष्ट रस होना चाहिए, षड रस होना चाहिए, इट्स ओके। थाली भर के खाया, टीवी के सामने बैठ के खाया, गप्पे मार के खाया, फोन में चैटिंग करके देख के खाया, इधर देख रहे हो, इधर खा रहे हो, पता नहीं चल रहा पेट में कितना जा रहा, हिसाब करो। आज सबको लगभग एक जनरल हिसाब करना है, जरूरी नहीं है कि मतलब एकदम कट टू कट हिसाब करना है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैंने आज तक कितना खाया। हो गया दोपहर का लंच, बाद में फिर 4-5 बजे हाई टी, उसमें जूस ले लो, सूप ले लो, नाश्ता ले लो, चाय ले लो, और भी कुछ ले लो। फिर वापस शाम में डिनर, फिर रात को सोने के पहले दूध, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पान, जो भी खा लो। ये मैंने उम्र के 3rd साल से लेके 58 ईयर्स तक इतना खाया है। कितना मस्त, मतलब मिठाइयाँ खाइए, जिलेबियाँ खाइए, मालपुआ खाया, इडली खाया, ढोकला खाया, खाकरा खाया, पास्ता खाया, पिज्जा खाया, कितना खाया है। ये हो गया मेरा पर्सनल रीडिंग। हम आजकल की फैमिली जो है, छोटी फैमिली है, मम्मी पापा, फिर हमारा बेटा बहू, हमारा पोता पोती, 6 मेंबर्स, कहीं कहीं तो 4 ही है, मम्मी पापा, बेटा बेटी, दादा दादी है या नहीं है, सब समझ के चलो 6 मेंबर्स है। 6 मेंबर्स के पीछे हम घर में साल भर में जो अनाज भरते हैं, एक पोता गेहूं, 50 किलो चावल, 25 किलो दाल, 25 किलो दूसरी चावल, 25 किलो शक्कर, 5 किलो साबुदाना, 5 किलो दूसरी दाल, 5 किलो चाय पाउडर, 5 किलो गुड़, 5 किलो जीरा, मोहरी, जो भी किचन में जितनी चीजें लगती है, साल भर की हमने भर ली है। सपोज एक
बोरा गेहूं का छह लोगों के पीछे, तो एक मेंबर के पीछे कितना गेहूं हो गया साल भर का? 25 किलो। एक साल में मैंने 25 किलो गेहूं खाए तो मैंने 58 साल तक कितने गेहूं खाए? कितना ज्वार खाया, कितना बाजरी खाया, कितना चावल खाया, कितना दाल खाया, कितना खारी, बिस्किट, टोस्ट, पिज्जा, पास्ता, साबुदाना, उपमा, पोहा और वो चाइनीज की तो पता नहीं, मुझे नाम नहीं आते, वो क्या मांचो बिंचो क्या क्या खाते हो पता नहीं, वो सारे कितने सारे होटल्स अलग, ननियाल का अचार अलग, दादी के हाथ का ये अलग, मम्मी के हाथ का ये, कितना खाया है आप हिसाब कीजिए। कितनी मिठाइयां, दिवाली की मिठाइयां, जन्मदिन की मिठाइयां, शादी की मिठाइयां, पार्टियों में जाते गए, खाया 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 खाया। फिर भी आज अगर कुछ दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो बताया जाता है कि आपके D3 नहीं है, B12 नहीं है, कैल्शियम नहीं है। इतना खाने के बाद भी कितना फ्रूट्स खाते हो, तरबूज, खरबूज, आम, चीली, लीची, इमली, बेर, क्या क्या है, पाइनएप्पल, मिठाइयों के थे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, मालपुआ, पेड़े, बर्फी, लड्डू, कितना खाया है? आपके सबके ध्यान में आया आपने कितना खाया? इसमें हमारी गलती कहाँ हुई है पता है आपको? हम सबने खाया है, मैंने भी खाया है। इतना खाने के बाद भी मुझे आज भूख क्यों लगती है पता है? अगर किसी को अगर बताते आता तो हैंड रेस करना। और प्रियंका जी कोई बता सकता है क्या? देखना कि हमने इतना खाया तो हमारा समाधान क्यों है? समाधान क्यों नहीं है? सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? तृप्ति क्यों नहीं है? जितना खाया उससे भी ज्यादा आज खा रहे, कम क्यों नहीं हुआ? उम्र तो बढ़ गई, हमारी पचन शक्ति भी कम हो गई, हमारा वर्कआउट भी कम हो गया, बट खाना कम नहीं हुआ है, क्यों, क्या हो गया, ऐसी क्या गलती हम करते हैं? कोई बता सकेगा? बताइए। देखिए कविता जी कौन बताना चाहता है? आवाज नहीं आ रही कविता जी आपकी? राधा जी ने हैंड रेज किया है। यस हाँ जी 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 राधा जी बताइए। अनम्यूट का क्वेश्चन। हाँ मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग जितना खाया है ना उतना हाँ। हम लोग का पास आउट नहीं हुआ है, वो हमारी बड़ी आंतों में सब जगह जा के जम गया है, तो हम लोग को पता नहीं था कि एनीमा का प्रोसेस भी होता है। हम लोग ने आज तक एनीमा लिया ही नहीं, तो उससे के खाओ लेकिन इतना नहीं खाओ, कम खाओ, और फिर उसको दोनों टाइम चाहे एक टाइम जैसे भी हो एनीमा लेके क्लियर कर देना चाहिए, उससे हमारे वो आंतों में जमेगा नहीं। आंतों में जमता है फिर वो सड़ता है, फिर बीमारियां क्रिएट होती है, तो मैंने तो चालू कर दिया एनीमा। बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया राधा जी, आपका जवाब भी बड़ा अच्छा रहा। लेकिन देखो अगर हम पास आउट नहीं करते, अगर एनर्जी वर्कआउट नहीं होती, वो तो है, बचपन से लेके आज तक जितना खाया तो कितना मोटा होना चाहिए था हमने, तो कितना वो जितना खाया है उतने मोटे हम नहीं है। कुछ तो वर्कआउट होता है, कुछ कुछ पास आउट होता है, सर्दी मतलब पसीने से होता है, यूरिन से, जो भी होता है, जितना भी होता है। मैं बताना चाहती हूँ उसका जवाब। हमने खाया बहुत है, बहुत अच्छा अच्छा खाया है, प्योर प्योर खाया है, हाइजीनिक खाया है, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था कि हमको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए थी, हम बूढ़े नहीं होना चाहिए था, हमारी तृप्ति होना चाहिए थी, हमारा समाधान होना चाहिए था कि मैंने एक बार खा लिया, इट्स ओके यार, अभी मुझे साल भर इसकी जरूरत नहीं है, तो वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि जब हमने खाया तब हमारा खाने के तरफ ध्यान था ही नहीं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। कविता जी देखना आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज नहीं है। अब वो तो है खैर, लेकिन हम लोगों को पता ही कुछ नहीं होता था, पहले कोई चीज से जुड़े नहीं थे हम लोग। जैसे अभी आप लोग के सेशन से, शाम रात के सेशन से, 9 बजे के सेशन से, मॉर्निंग आवर के, तो हम लोग को कुछ पता नहीं था। आज मैं 56 की हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं था। आज पता हो गया। हाँ, अभी हम लोग सब नॉलेजेबल से जुड़ रहे हैं,
सुन रहे हैं तो मेरा एक ही कहना, इतना अच्छे से सुनो, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछो, लेकिन सुनो, समझो और फॉलो करो, ठीक हेलो, है? मैं थैंक यू राधा जी फॉलो स्टार्ट कर दी हूँ जी मैं। राधा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कविता जी, कविता जी कहाँ हो आप? प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी, सॉरी प्रियंका जी, जब 20 मिनट हो जाएगी ना तब मुझे बता देना, मेरे ये रूम में घड़ी नहीं है डेफिनेटली मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, जी। बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। यस जी तो मुझे ये बताना था कि हम लोग ने आज तक बहुत खाया, तो ऐसा बताया जाता है कि जो हम खाते हैं उसका रसायन बनता है और हमारे बॉडी को वो मतलब जरूरी जो पोषक तत्व है वो बैलेंस करता है हमारे बॉडी को सब तत्वों से, सब विटामिन से। बट हमारा वैसा नहीं हुआ क्योंकि हम खाने के टाइम खाने के साथ नहीं थे। जो हमको आज सिखाया जाता है कि आती जाती सांस को देखें, जब मेडिटेशन करते तो ओनली सांसों को देखें, जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ खाने के तरफ ध्यान हो, जब हम कुछ सुनते हो तो सिर्फ सुनने के तरफ ध्यान हो, जो हम करते हैं उसी के साथ एकाग्र होके सुनते खाते पीते उस चीज के साथ रहे, उस काम के साथ रहे, तो रिजल्ट 100% आता है। और हमारी गलती यही हुई है कि हम टीवी के सामने खाना खाया, मोबाइल के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, गप्पे मारते साथ कुछ ना कुछ करते रहे और इधर खाना खाते रहे। उसमें जो सलेवा मिक्स होना चाहिए था, उसमें जो हमारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी खाने के साथ, वो बिल्कुल भी नहीं रही। वही वैसे ही खाना नीचे गया, फिर कुछ जम गया, कुछ निकल गया, जो भी कुछ होता है हम उसको जानते नहीं अंदर क्या होता है। वो कुछ ऐसा हो गया कि आज हम बहुत सारी बीमारियों से युक्त हैं, हम बहुत सारी मतलब डलनेस है, डिप्रेशन है, नाराज है, शार्प नहीं है, स्मार्ट नहीं है, कुछ याद नहीं रहता। इस सभी का कारण, सभी कारणों में से एक कारण है कि आहार हमारा योग्य तरीके से हमने लिया नहीं है। कितना खाया है आज तक, लेकिन जो खाने का तरीका था वो गलत था। तो हमने क्या करना चाहिए कि खाने के साथ रहना चाहिए था। और ये खाना कैसे खाना है, कितना खाना है, किस तरीके से खाना है और खाने के बाद क्या होता है, हम हमारा थर्मामीटर लगा के देखेंगे, वो वाला सेशन हम कल बताएंगे। आज तो आपको यही बताने वाली हूँ कि आपने जो भी खाया, कोई गलत नहीं खाया, कोई बेकार नहीं खाया, लेकिन खाने का तरीका बड़ा गलत था। खाते गए, बीच बीच में पानी पीते गए, खाने के बाद भी पानी पीते गए, खाने के बाद बेड पे आके सो गए, सब तरीका गलत, सब तरीका गलत। कभी कभी तो खाने के बाद खाने को नाम रख दिया, इसमें नमक नहीं, इसमें तेल नहीं, इसमें मिर्ची नहीं, इसमें स्वाद नहीं, मतलब आपके विचार भी उस खाने के साथ निगेटिव गए। कितना खाया है आप सोचो, मैंने आपको एक लगभग रेशियो दिया है, आप अपना देखो कि आपने कैसा कोल्ड ड्रिंक लिया, आपने जो वो क्या सब जो जो भी बाहर की चीजें, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक ये वो कितना खाया है, कितना मुखवास खाया है, कितने आइसक्रीम खाए हैं, कितनी मिठाइयाँ खाई है। आजकल तो बाहर क्या नहीं मिलता है, कितना खाते हो रात के सोने के पहले, मतलब सुबह उठने से लेके रात के बेड पे जाने तक हम खाते हैं। खाने के बाद डेजर्ट खाने की फैशन हो गई है, खाने के बाद आइसक्रीम खाने का फैशन हो गया है, मतलब ये चीजें हानिकारक है। कैसा खाना चाहिए, ये जो खाने का तरीका है आजकल देखो, पहले के लोग साल भर का अनाज कोठियों में घर में भरते थे, और महीना जो महीने की चीजें अलग होती थी और डे टू डे का फ्रूट और सब्जी अलग होता था। आजकल क्या हो गया, फ्रूट और सब्जी 8 दिन की महीने भर की फ्रीज में भरते हैं, और जो अनाज है वो महीने महीने का 5-5 किलो लाते हैं, बताए संभाले नहीं जाता, उसमें कीड़े हो जाते। देखो तरीका कितना चेंज हो गया, जो ताजा लाना चाहिए था उसको भर के रख रहे हो फ्रिज में, और जो लाके रखना चाहिए उसको महीने भर का ही लाके रख रहे हो, मतलब महीने भर से वापस मार्केट में जाइए, और हर समय मार्केट में नया नहीं होता है वो, तो जो चीजें जिस सीजन में आनी है उसी सीजन में आती है। वो लोग तो शॉप वाले लोग, मार्केट वाले, मॉल वाले लोग भर के रखते हैं, उसमें केमिकल मिक्स करते हैं, हम लोग घर पे केमिकल नहीं लगाते, धूप में देते हैं, पैक करते हैं, रख देते हैं, और जो शॉप में मार्केट वाले लोग होते हैं वो केमिकल लगाते हैं, मतलब आपके पेट में केमिकल भी कितना जाता है।
फ्रिज की बात आपको बताऊं, फ्रिज में रखना कितना गलत है। 8-8 दिन की, 10-10 दिन की सब्जियां भर के रखते हो। क्यों भरते हो पूछते हो तो बताया जाता है हमको डे टू डे लाने में टाइम नहीं है। आपको व्हाट्सएप में टाइम है, आपको फेसबुक पर टाइम है, आपको टीवी सीरियल देखने में टाइम है, आपको गप्पे मारने में टाइम है, आपको मूवी देखने में टाइम है, आप वॉकिंग करते हो, जिम को जाते हो। जरूरत नहीं है पैदल सब्जी लेने जाओ डे टू डे, उसमें वॉक हो जाएगा, काम की काम हो जाएगा। आपको पता है जो आप 8 दिन की सब्जी जो फ्रिज में रखते हैं उसमें कुछ बचता भी है विटामिन? आप किसी आप में से नेचुरोपैथी का कोर्स किया होगा, जो सब्जी पेड़ से पौधे से निकाल के जो तोड़ के लाते हैं उसी टाइम 50% विटामिन वही कट हो जाते हैं। उसके बाद वो मार्केट में लाया जाता है 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, तब 10% विटामिन खत्म हो जाता है। फिर जिस दिन मार्केट से आप घर पे लाते हो और 10% खत्म हो जाता है विटामिन। उसको आप धो धुला के साफ करके फ्रिज में रखते हो और 10% खत्म हो जाता है। और आप जब सब्जी करने को सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे ले तो 100% उसमें कुछ बचता ही नहीं। फिर उसको आप वो जो वघार देके उसको सब बॉईल करके कुकर में जो भी करते हो ग्रेवी वेवी मिर्ची मसाला डाल के टेस्ट बनाते हो, ओरिजिनल टेस्ट तो पता ही नहीं आजकल किसी का। उसमें बहुत कुछ कुछ आजकल तो इतना फैड हो गया, ये ग्रेवी चाइनीज ग्रेवी राजस्थानी ग्रेवी पंजाबी ग्रेवी महाराष्ट्रीयन ग्रेवी अपना गुजराती खट्टा मिठा ग्रेवी, कितने ग्रेवी। ओरिजिनल सब्जी की टेस्ट अलग होके बाकी का मिर्ची मसाला और ग्रेवी ही बहुत हो गया उसमें। हमारे फ्रिज में आप देखोगे तो वो दरवाजे में वो डोर पे ना इतना सारा जो ड्रावर होता है वो सब मसाले से भरा हुआ होता है। एवरेस्ट पाव भाजी सांबर मसाला चना मसाला पानीपुरी मसाला इतने सारे मसाले, किचन किंग मसाला पंजाबी मसाला, और वो मसाले के बिना आजकल भाजी को टेस्ट ही नहीं आता है सब्जी को। मुझे अच्छे से याद है मैं जब खाना बनाती थी मेरे जमाने में कोई मसाला नहीं, ओनली घर का एक मसाला होता था गरम मसाला, मिर्ची हल्दी धनिया नमक यही होता था। ये इतने सारे मसाले नहीं होते थे और फ्रिज में लाके तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब इस मसाले के बिना खाना बनता ही नहीं है। ये ऊपर के मसाले इतने क्यों डालना पड़ रहा? क्योंकि ओरिजिनल सब्जी की टेस्ट ही नहीं रही। तुम 8 दिन 10 दिन 15 दिन की सब्जी लाके रख रहे हो ग्रीन सब्जी, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, कहां से ताकत आएगी, कहां से विटामिन आएगा, कहां से बॉडी बनेगी, कहां से हमारा दिमाग, अगर हमारा पेट तृप्त नहीं है, हमारा पेट समाधानी नहीं है, हमारा पेट भरा नहीं है, तो कहां से आपका मेडिटेशन ठीक होगा, कहां से आपको शांति आएगी, एसिडिटी बढ़ेगी, गैसेस होंगे, पेन होगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि खाना ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं, पेट अच्छा तो सब अच्छा। पतंजलि में योगा में बताते हैं पतंजलि सूत्र में कि जिसका पेट अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, जिसका पेट खराब उसका सब कुछ खराब। और पेट में, और पेट कहाँ से अच्छा रहेगा, उसमें डालने वाली चीजें अगर प्योर है ताजा है ग्रीन है हाइजीनिक है रोज की रोज डे टू डे बना रहे हो तो आपका पेट अच्छा रहेगा। आपको कोई चूरन कायम चूरन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, नेचुरल पाथवे होगा। हमारे धीरन सर क्यों बता रहे हैं इनिमा लेने को, तो कितना जमा करके रखा है हमने, वो ऊपर से फोर्सफुली पानी डाल के फिर निकालना पड़ रहा। जैसे वो हमारा बेसिंग होता है हमारा वॉशिंग प्लेस होता है वो अगर भर जाता है तो हम ऊपर से उसको डालते हैं एसिड वगैरह फिर वो पंप डाल के उसको फिर नीचे से आउट, वैसा हो गया हमारे भी पेट में, हम पानी का पाइप डाल रहे और एसिड निकल रहा है। ये कौन सा तरीका, ये नेचुरल तरीका है, ये तो हमारे सर ने आयुर्वेदा से रिसर्च करके हमको ठीक करने के लिए एक प्रोसेस दिया है, बेटर है। उसमें कोई केमिकल नहीं कोई दवाई नहीं, ओनली पानी डालो साफ करो। लेकिन मुझे ये कहना है कि नेचुरल आहार अच्छा लीजिए, उसके आहार के खाते खाते उसके साथ रहिए, उसके साथ सलेवा मिलाइए, सुबह आग खुलते ही आपका पेट साफ, फटाक से आप वॉशिंग रूम भागोगे। ये नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। सब्जी कैसे लाना है कैसे रखना है, दूध कैसे लाना है, चीनी कितनी खानी है, खाने के बाद गुड़ और घी खाना है, सब तरीका भूल ही गए। खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे हो, यार क्या कर रहे हो आप लोग, हमारे बच्चों को किधर लेके जा रहे हो,
फिर कितना भी मेडिटेशन कर लो पेट ठीक नहीं तो कुछ नहीं होता नहीं है। मेडिटेशन ध्यान नहीं लगता है, विचार आते हैं, खुजली आती है, एसिडिटी होता है, बैठे नहीं जाता है, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, कमर भरती है, जी घबराता है, कुछ कुछ होता है। आपको पता है जो मेडिटेशन करते हैं ना वो बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। हमारे धीरेन्द्र सर की बात मैंने उनके एक लेक्चर में सुनी थी कि वो सिर्फ फल खाते हैं, कुछ नहीं खाते, बहुत बहुत कम रोटी खाती है हमारी पूजा जी और धीरेन्द्र जी, फल खाते हैं, खाते ही बहुत कम है, उसमें भी फल खाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान किसके तरफ है। मेडिटेशन कितना सुंदर होता होगा उनका, उनके जो वर्ड्स निकलते हैं मैंने देखा है, मैंने जो कल बोला था मैं और मेरा, जो मैं करता है वो भेड़ बकरी के लिए मैं करता है, और हमारे धीरेन्द्र सर की लैंग्वेज मैंने देखी है, वो बोलते हैं हमारा गुजरात, हमारा पीएमसी, हमने ये किया, हम ये करना चाहते हैं, वो हम बोलते अपना बोलते, कहीं भी मैं नहीं लगाते, गलती से भी उनके मुंह में मैं नहीं आता है, पूजा जी के भी मुंह में मैं नहीं आता है। ये जो लैंग्वेज अपने आप आ जाती है, हम जैसा काम करते हैं, जैसा आहार लेते हैं, वैसे अपने आप होने लग जाता है, इसको स्पेशली कुछ नहीं करना पड़ता। हमारे पथरी गुरुजी देखो कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी वो फंडा नहीं बताते, वो एक ही बताते हैं, तुम आप ध्यान करो, बस आप ध्यान करो। ध्यान करने वाले फलाहार लेते हैं और रसाहार लेते हैं। आप कभी हिमालय कई जो ध्यान साधु संत होते हैं आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, वो कंदमूल खा लेते हैं, कोई एक आधा फल खा लेते हैं और रहे, ऐसे कैसे रह जाते हैं, हम तो अभी तक खा ही रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझे। मैंने जो जाना है, जो मैंने रिसर्च किया और मैं खुद जो फॉलो कर रही हूँ, मैंने ये देखा है कि मेडिटेशन करने वाले पहले तो उसका सर शांत हो जाता है, उसका उतावलापना खत्म हो जाता है, उसका एक्साइटपना खत्म हो जाता है, वो सभी तरीके से शांत हो जाता है। तो जब हमारा एक्साइटमेंट, हमारा उतावलापन कम होता है, हम विचारों से कम हो जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा कहीं भी नहीं जाती, हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही रहती है। हम खाना क्यों ज्यादा खाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा बहुत काम करती है, विचारों में करती है, दूसरे की पंचायती में करते हैं, गॉसिप में करते हैं, चिंता में करते हैं, सोचते, तो हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा वहां लगने से वो एनर्जी और ऊर्जा खत्म हो जाती है और बार बार खाने का मन होता है। अगर हम मन से शांत रहेंगे, मुंह से मौन रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा सो में रहेंगे, तो हमारी एनर्जी और ऊर्जा कम खत्म होगी, तो हम कम खाना खाएंगे। इस बात से कोई सहमत है कि जो ज्यादा बात करता है, ज्यादा वर्कआउट करता है, ज्यादा घूमता है, ज्यादा मार्केटिंग करता है, उसको ज्यादा खाने को लगता है, और जो कम सोचता है, कम बात करता है, शांति से रहता है, मौन रहता है, तो वो कम खाता है। इस बात से कोई एग्री है ग्रुप में, कोई बताएगा, हैंड्रेस करेगा? बताए कोई? स्वीटी बताए, स्वीटी जी बताए, रचना जी हैंड रेस कीजिए, करिए बताइए, प्रियंका जी देखो उन्हें। यस, बिल्कुल आपने सही बोला है ना। तो जो साधु संत है इसलिए तो वो कम खाते हैं ना, क्योंकि वो कुछ सोचते नहीं, कुछ चिंता, वो प्रेजेंट में रहते हैं। अब भी मुझे क्या करना है, इस वक्त मुझे क्या करना है, अभी मेरी प्रायोरिटी कौन से बात को है, कल का क्यों सोचू, गए पास्ट का क्यों सोचो, रोते क्यों बैठू जो कल हो गया, आने वाले के बारे में क्या सोचू, कल आए ना आए, अभी बात हो गई खत्म हो गई, पता नहीं कल आएगा, मैं कल आपसे मिलूंगी, या कोई अपने बॉन्ड नहीं किया, पता नहीं है हमको। तो जो वर्तमान में रहते हैं उनकी एनर्जी कम खत्म होती है, कम लॉस होती है, तो भूख भी कम लगती है और खाना भी कम जाता है। ये मेरे पढ़ाई से, चिंतन से मुझे ऐसा लगता है कि इसी कारण से उनको कम आहार लगता होगा, इसलिए फिर वो फल और फूल पर रह जाते होंगे, नो एक्सेप्ट। फिर उनको वेट लॉस की जरूरत नहीं, उनको इनिमा की जरूरत नहीं, उनको किधर होटल में जाने की जरूरत नहीं, वो उनकी जो जीवा है वो बड़ी शांत और प्यारी है। मैं अपनी बात बताती हूँ, फिर जो मैं थी पहले की कल्पना, जो मैं दिन में 10 बार खाती थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप भूख लगती थी, कि मैं घर में सबसे बड़ी बहू थी, हम 4 देरानी जेठानी, तो बड़ा का फर्ज होता है, जवाबदारी होती है, और मुझे ऐसे भी करने की आदत है, पूरा काम
कट टू कट 100% सबको सही जाना चाहिए। तो वो एक्साइटमेंट, वो विचार, वो भागना, वो करना, सब कुछ गड़बड़ 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 गड़बड़, तो खाना भी 10 बार खाती थी, तो उससे फिर वेट गेन होना है, सब कुछ था। अभी तो मुझे बीपी और शुगर भी आया है, बट ये सब करने से सब कुछ नॉर्मल है। और अभी मैं सिर्फ सुबह 10:30 से 11:30 का बीच में सिर्फ 20 मिनट खाने को देती हूँ, और उसके बाद सीधा शाम को 5:30 से 6:30, दो ही टाइम। सुबह 7:30 से 8 के बीच में वो कषाय बोलते हैं काढ़ा, वो लेती हूँ। अगर मेडिटेशन को नहीं बैठी हूँ, ध्यान में नहीं हूं, तो 4 से 5 के बीच में आधी कप बिना शुगर की चाय लेती हूँ। अगर मैं मेडिटेशन को नहीं हूं दोपहर में तो लेती हूँ, नहीं तो दोपहर की चाय भी कैंसिल, सीधा 5:30 से 6। जैसे मैंने ये सुना, इतना खाया है, इतना पिया है, इतना भागे हो, और इतना खाने के बाद भी आज अगर कोई बोले ना कुछ, तो चलो भाई खा लेंगे, मजे करेंगे। लेकिन मैंने अपने खुद को मैंने संभाला है, खुद को सवारा है, खुद को स्टेबल किया। आज अगर मेरे खाने के बाद भी मुझे कोई बादाम का हलवा भी लाके दे तो मैं नहीं खाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्रयत्न पूर्वक नहीं खाती हूँ, मुझे इच्छा ही नहीं होती है, इच्छा नहीं होती। हमारे घर में मेरे पोता पोती है, मेरे हस्बैंड को बड़ा खाने का शौक है, बहू को करने का, वो लोग दिन भर खाते, कल पानी पूरी बनाई, शाम को पिज्जा पास्ता, आई डोंट, नहीं मैं नहीं खाती। वो बुलाते हैं, बोले नहीं मेरे पेट में जगह ही नहीं, मैं बड़े मजे कर रही हूँ अपने इसमें, मुझे नहीं खाना है। बट कि ऐसा गुस्सा है या भूख लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बताइए बताइए बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? कल्पना जी, हमारा टाइम आधा घंटे से ज्यादा हो गया है। ओके, मैंने बताया था आपको 20 मिनट। एक्चुअली आप इतना अच्छा कह रहे थे तो मुझे आपको बीच में रोकने का मन ही नहीं हो रहा था। बस मुझे यही कहना है कि दिमाग शांत रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो जितना भी खाएंगे उसमें आनंद आएगा और हमको आनंद देगा। अभी हम कल ये देखेंगे क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, कोई स्पेशल नहीं बनाना है हमको, ऐसे ही तरीके से शांति से और प्यार से कैसे खाना है, क्योंकि हम तक आज तक क्या गलती की है वो देखा है हमने, हमारा ऑब्जर्वेशन किया है, अब उसको करेक्शन कैसा करें। जो मैंने किया, मैंने, मेरे को आनंद आया, मुझे लगता है आपको भी आनंद आएगा, तो हम कल वो वाला पार्ट देखेंगे। तो मुझे लगता है कि सबको समझा होगा, आनंद आया होगा, गलती समझ में आई होगी, शायद सबकी एक ही बात की तकलीफ एक ही होती है, सबकी गलती एक ही होती है, लगभग लगभग सबका तरीका एक ही होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद सबको हमारी गलती, सबको अपने अपना थर्मामीटर समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि कल हमने कैसा खाना चाहिए, किस प्रकार से, कौन सा, उससे क्या होता है, ये हम देखेंगे। और प्रियंका जी बहुत सारा धन्यवाद, आपने मुझे अवेयरनेस लाया, आधी घंटा हो गया फिर भी आज, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा लग रहा था सुनने में कि मुझे बीच में इंटरप्ट करने का बिल्कुल मन नहीं किया, बहुत अच्छे से आपने बताया कल्पना जी। ये हमने पहले भी सुना है बहुत बार कि वी शुड गिव 100% टू कोई भी काम, हम जो भी कर रहे हैं उसमें 100% इन्वॉल्व होकर करना चाहिए, और खाना तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हम उसी को बिना अवेयरनेस के साथ खाते, टीवी देखते हुए, मोबाइल के साथ, बच्चों से बात करते हुए, मतलब बिल्कुल बगैर ध्यान के। तो कल्पना जी आपने बहुत सुंदर से समझाया कि हमें किस तरह से कम खाना चाहिए और बिल्कुल इन्वॉल्व होकर खाना चाहिए। थैंक यू सो मच कल्पना जी। अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमें कुछ 30 मिनटों का ध्यान करवाएं। थैंक यू। यस यस फ्रेंड्स, सभी सुखासन में बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं सभी। सभी अपने अपने चश्मे उतार लें, गर्दन और पीठ को सीधी कर लें। जो नए लोग हैं वो समझ लें कि दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा के अपने गोद में रख लें, पैरों को पालथी मार लें। अगर आप चेयर पे, सोफे पे, पलंग पे हो तो पैरों को नीचे से क्रॉस कर लें, आंखें आराम से बंद करें,
हम आज आनापान सति का ध्यान करेंगे, यानी कि आती जाती सांस को देखेंगे। सभी लोग कंफर्ट जोन में बैठेंगे, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आंखें बंद, हाथों को लॉक, पैरों को लॉक, गर्दन पीठ सीधी, कंफर्ट जोन। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आदरणीय पितामह ब्रह्मर्षि, पत्री गुरुजी, सदानंद गुरुजी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीर और हमारे सभी ग्रुप में सभी मास्टर्स और सभी की आत्माएं, एक साथ हम ग्रुप मेडिटेशन करेंगे। सबको मैं इनवाइट करती हूँ। हम सिर्फ आती जाती सांस को देखेंगे, कुछ भी नहीं करना है। बंद आंखों से, अंदर से हम जहां से सांस लेते हैं, हमारी नोजी के टोक के ऊपर हम अंदर की बंद आंखों से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे कि सहज सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, और हम सांसों के साथ रहेंगे। बहुत सहज, कोई विचार नहीं, विचारों की कहानी नहीं, विचारों को दबाएंगे भी नहीं, विचार आएंगे और जाएंगे, हम सिर्फ सांसों के साथ रहेंगे। विचार के तरफ दृष्टा भाव, साक्षी भाव से देखेंगे। कुछ भी नहीं करना, यानी ध्यान करना, सांसों के साथ बने रहे। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, ओनली सांस, स्लोली ब्रीदिंग। सिर्फ सांसों के साथ लगे रहे। Thank you.
सांस अंदर जाती है तो सांसों के साथ अंदर जाइए, जब सांस बाहर आती है तो उसके साथ बाहर आइए। सांसों का आना जाना यानी आना पान, और सती यानी शुद्ध। मन शांत हो चुका है, शरीर एकदम स्थिर हो चुका है, गहराइयों में डूब चुके हो, सिर्फ आती जाती सांस को देखें। Thank you.
शांति की अनुभूति हो रही है। सिर्फ सांसों के साथ लगे रहे। जाती सांस को देखें।
Thank you.
सिर्फ आती जाती सांस को देखें, मन शांत हो चुका है। Last 2 minutes, friends. सांसों का आनंद लीजिए, शांति का आनंद लीजिए। अंदर की आवाज को सुनिए। मन शांत हो चुका है। ब्रीदिंग एकदम स्लो हो चुकी है। अब कुछ सेकंड ही बाकी है। लास्ट 10 सेकेंड। खुद के प्रति जागरूक हो जाए, आंखों को बंद ही रखे, हाथों को हिला ले, पैरों को हिला ले। अपने दोनों हाथ अपने बंद आंखों पे रखें, टेन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। दोनों हाथों को आराम से अपने चेहरे पे घुमाते हुए जब आप चाहें तब आराम से आंखें खोलें और प्यार से मुस्कुराएं। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू, थैंक यू आपको बहुत थैंक यू। सभी तालियां बजाएंगे और इस ऊर्जा को चारों तरफ फैला देंगे।
थैंक यू सो मच कल्पना जी, बहुत ही सुंदर ध्यान और बहुत ही सुंदर ज्ञान जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे जीवन का, इसके बारे में आपने हमें बहुत ही अच्छा और बिल्कुल सरल तरीके से सिखाया जो हमें समझ में आया। मैंने आज एक बहुत अच्छी बात सीखी फ्रेंड्स कि वेजिटेबल्स जितना हो सके फ्रेश ले और अनाज साल भर का घर में भर ले। यस फ्रेंड्स, जो कल्पना जी ने बताया मैं बिल्कुल वैसे ही करती थी, तो आज मैंने ये ज्ञान पाया। थैंक यू सो मच कल्पना जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे जीवन में उतारें। जी 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 बिल्कुल, वेलकम वेलकम। बात तो मैं ऐसे अब क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हाँ, कोई हैंड रेज करे आप देखे। विधि का हैंड काफी देर से है। यस विधि जी, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मुझे भी यही लगा कि मुझे यही कहना था मैम। मैंने भी आज बहुत ही अच्छी चीज सीखी। लिटरली मानेंगे मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरी मदर इन लॉ से मैं बहुत बार कहती थी मम्मी मैं इतना खाती हूँ पर मुझे आधार क्यों नहीं होता है। मतलब मेडिटेशन में आने से पहले मैं जैसे लाइक बहुत ड्राई फ्रूट्स भी खाया है, आधार भी नहीं होता था और मोटे भी नहीं जैसे होते ना, कोई हेल्दी वैसे भी नहीं होते थे। मुझे यही लगता था कि ऐसा क्यों होता है। इवन आप मानेंगे मैम, मैं जब खाना खाती थी उससे पहले हमेशा ईश्वर को याद करके पानी भी पिया, तब भी स्नैक्स भी खाती हूँ तब भी। लेकिन अब मुझे पता चला वो लूप होल्स क्या था, कि मैं खाने की तरफ ध्यान नहीं देती थी। खाना खाने से पहले बस एक सेकंड के लिए ध्यान दिया, उस ईश्वर को याद करा, उसके बाद फिर चाहे विचार इधर जाते थे या आंखें टीवी की तरफ जाती थी, ऐसा होता था। और बाकी में आज मैंने भी बहुत अच्छी बात सीखी है कि अनाज इकट्ठा भरेंगे और वेजिटेबल्स डेली में लेकर आएंगे। थैंक यू मैम फॉर गिविंग सच वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। पता बहुत था लेकिन आज फिर से रिकॉल हुई है लाइफ में, तो इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे हम लाइफ में। थैंक यू मैम फॉर योर काइंड। यही होता है विधि जी, मैं जो भी बात बताऊंगी या आप सुनते हो तो मुझे, मैंने देखा है कि सब हमको पता है, हर चीज पता है, हर चीज को पढ़ा है, जाना है। कोई पूछे तो हम उसके बाद में भी 10 सेंटेंस हम भी बता सकेंगे कि ये होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हम फॉलो नहीं करते। यही बस सबकी, मेरी भी मतलब मैं स्वीकार करती हूँ कि बहुत सारी कमजोरियां ये है कि हम फॉलो नहीं करते। जितना हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसमें से अगर एक चीज भी फॉलो कर लो तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, बट आई विल फॉलो, इसीलिए टच में है। थैंक यू मैम। थैंक यू बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। कमल जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार। हेलो, नमस्कार कल्पना जी, प्रियंका मैडम जी, नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन था कल्पना जी आपका। और जब आप धीरेन सर की क्लास में भी, मैं आपके क्वेश्चन का हमेशा वेट करती होती थी कि आप बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आए पूछेंगे, और जो भी कॉन्वर्सेशन होती थी बहुत लाभदायक होती थी। और कल का मैं सबसे पहले, मैं कल तो मैं बात कर नहीं पाई, पर जो कल का सेशन था पहले उसके लिए बहुत थैंक्स कि मेडिटेशन में हम ये अपना भाव जो है वो मतलब छोड़, जब तक छोड़ेंगे नहीं तो आगे पकड़ेंगे कैसे, जैसे सर्कस की वो करते हैं ना, वो पिंगो वाला जो होता है, अगर पीछे वाला नहीं छोड़ेंगे तो अगले वाले का हाथ कैसे पकड़ेंगे, है ना। बिल्कुल, तो वो आपने बहुत बहुत अच्छा समझाया। और मेड के भी भाव से कि हम एक, मैं हमेशा सोचती थी कि ये इतना सारा दिन काम करती रहती है मेरी मेड, और जब वो नहीं आती तो थोड़ा सा काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ, ऐसा क्यों है। तो वो मतलब उसमें नजरिए में था कि हम अपना भाव नहीं छोड़ पा रहे थे, छोड़ना बहुत मुश्किल है ये आपने कहा, लेकिन मतलब छोड़ना भी नहीं है और दिमाग से छोड़ना, ये कल पता चला। और आज का जो सेशन था वेजिटेबल्स वाला, हम अभी तो ये कर रहे थे ड्रेंसर की क्लास अटेंड करके सारा, कि फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाना है, जैसे एक बार उतना ही बनाओ, या तो मैक्स मिनिमम 3 आवर्स या 45 मिनट्स के, मैं फ्रेश ही बनाती हूँ और उतना ही बनाती हूँ। लेकिन आज जो आपने कहा कि जो सब्जियां फ्रिज में कुछ ना कुछ मतलब रह जाता है, डेली नहीं जाते हम लोग मार्केट में सब्जी लेने के लिए, तो वो थोड़ा मतलब मुझे लगता था कि चलो सब्जियां तो कुछ होता नहीं होएगा ना,
तो वो आज आपने जो सिखाया है वो भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। लगता है पहले जमाने में हमारी मम्मियां डेली शाम को सब्जी लेने जाते थे, जी जी डेली जाते थे, हमें पता है छोटे छोटे हम रास्ते से ही उनका हाथ से बास्केट छीन लेते थे और उसमें जो फ्रूट्स वगैरह होता था वो खाने लग जाते थे। डेली जाते थे मम्मी और वही सब्जी रात को बनती थी, वही अगले दिन दोपहर को, फिर वो शाम को रोज जाते थे। और हम लोग क्या करते हैं, अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे गाड़ी में और पूरा सब्जी के थैले भर भर के फिर आके उसको पूरा प्लास्टिक के बैग में डाल डाल के फ्रिज में रखते हैं और फिर वही निकालते हैं। तो इवन की हम तो पहले फ्रूट्स भी रखते थे अंदर ही, अभी मैंने फ्रूट्स बाहर निकाल दिया, जो जो भी रखना है टमाटर वगैरह बाहर रखना शुरू करती। मेरे हस्बैंड इनफैक्ट कहते हैं टमाटर मत अंदर रखा करो, नहीं रखते अंदर, तो मेरी उनके साथ झगड़ा हो जाता था, आप बाहर रखते हो खराब हो जाते हैं। तो आपने जो आज का सेशन लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने सरल उस तरीके में ना रोज के रोजमर्रा चीजों में सेशन लेके आ रही है, हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी कि आपके और अभी कंटिन्यू सेशन चलने वाले हैं। आई थिंक और 10-11 दिन तक बोला था ना नरेंद्र सर ने, शायद हाँ जो भी होगा जितना भी जैसे भी, ठीक है 11 दिन का तो बोला है। देखो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आप इतने अच्छे से समझ रहे हो और हमको ये बहुत जरूरी है। हम जैसे बाकी की जो सेशन सुन रहे हैं ना, वो क्या बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीजें हैं बहुत, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में वही चीजों को लेके कैसे सुधार लाऊं, है ना, वही चीज सुन के कैसे सुधार लाऊं। तो मैं ऐसा चिंतन करती हूँ कि उन्होंने बोला है कम खाना है, फल खाना है, तो कम कैसे खाएंगे यार, भूख कितनी लगती है, फिर ये भूख कम कब कैसे होती है, भूख कम क्या होती है, हमारी गलती, हमारा खाया हुआ किधर जाता है, काम तो कम करते हैं सभी चीज को, सर्वेंट है, मेड है, आधी चीजें हमारे हस्बैंड कर लेते हैं और परिवार कितना छोटा हो गया है, कितनी मशीनरी आ गई है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, गैस है, इतना एक दर्शन नहीं है, फिर भी हम इतना खाते हैं, तो फिर उसको कम कैसे खाया जाए, जो मैं खाती हूँ वो जाता किधर है, क्या होता है। तो चिंतन करके, कुछ सुन के, कुछ पढ़ के, कि ये सब खाया हुआ हमारी सोच, हमेशा हम कहीं ना कहीं लगे हुए रहते हैं विचारों से, हमारी ऊर्जा उधर, हमारी एनर्जी उधर, फिर वो सब एनर्जी और ऊर्जा जो खाया हुआ रसायन वो उसमें लॉस होता है। अगर हम थम जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, हम अपने में स्व में रहेंगे और थोड़े में रहेंगे, तो एनर्जी गेन होगी और खाना कम हो जाएगा, हमारा काम भी कम हो जाएगा। मैं कल बताने ही वाली हूँ, बहुत सारी चीज कल बताने वाली हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कमल जी जी, आभा जी, यस हाँ जी, थैंक यू सो मच, वेरी एम आई ऑडिबल, यस यस यस। मैं ये पूछना चाह रही थी, कल्पना जी क्या गुजरात से हैं क्या? जी नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, लेकिन आपने बिल्कुल गुजराती पद्धति को फॉलो किया है। मैं जब से गुजरात में आई हूँ, मैं गेहूं का संग्रह करती हूँ, दालों का भी, और ये इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये पहले जमाने में हमारे यहाँ भी होता था अनाज को इकट्ठे करना, हमारे दादाजी मुझे ध्यान है लाते थे, लेकिन बीच में फिर जब से ज्वाइंट फैमिली बिखर गई या हमारे हस्बैंड के ट्रांसफर जहां जहां हुए वहां फिर ये चीज छूट गई, क्योंकि ये लगता था कि ट्रांसफरेबल जॉब है, कहाँ लेके ढोएंगे। लेकिन जब से गुजरात में आई तो परमानेंट मैंने इसको अपना घर बनाया। तो जो लोग गुजरात से होंगे वो इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो गेहूं का संग्रह बड़ा अच्छा है। मैं उसमें साल भर, शुरू शुरू में मुझे किसी ने बताया तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई कि क्या मतलब क्या करना है, हम दो लोग हैं, गेहूं संग्रह करने से क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए उससे इतना फायदा हुआ, उसमें दिवेल का तेल लगा आता है यहाँ पे, वो गेहूं में लगा के रखने से उसमें एक तो कीड़ा नहीं पड़ता और आप घर घंटी रख लीजिए घर में, तो घर में ही पीस लीजिए, तो बाहर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं आएगी। एक चीज मैंने सब्जी में देखी कि जितने भी गुजरात के लोग थे वो डेली सब्जी लेते थे, तभी भी हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि डेली जिस चीज को हम हफ्ते भर में लाके कर सकते हैं बार बार का क्यों जाते हैं। लेकिन उससे बहुत फायदा हुआ कि हम सब्जी जब रखते हैं फ्रिज में लेकिन यूज उतना ही करते हैं जितना पर डे यूज करेंगे, तो उसमें उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म हो जाती है वेजिटेबल की फ्रिज में रखने से। तो मुझे भी यही आदत पड़ गई। तो थैंक्स टू माय कमिंग इन गुजरात मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी दो चीजें बड़ी अच्छी, अच्छा मेरे और कोई नहीं रखता, मेरे रिलेटिव्स में खाली मैं ही रखती हूँ, लेकिन मुझे इन दोनों चीजों का बड़ा फायदा हुआ है। एक तो गेहूं को बे दिवे लगा के रखने से
आप देखिए छुट्टी हो जाती है, साल भर आपको कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल जब बिल्कुल आपको जरूरत हो, और एक संग्रह धान का संग्रह होता है जिसमें आपके यहाँ कभी भी ये चिंता नहीं होती कि अब आटा हाँ, लाओ तभी कुछ बनेगा, हाँ, आपके घर में है जब मर्जी आए आप उसको पीस लीजिए। बिल्कुल तो सही, ये बिल्कुल जो दो सही। चीज है, और आपने जो बात कही, मैं इन चीजों को बचपन से करती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे मदर फादर जिस मेडिटेशन से जुड़े थे उसमें उन्होंने, सिंपल था वो बहुत, क्योंकि उनके जो गुरुजी थे वो भी जॉब वाले थे, तो उन्होंने ये बताया कि आपको कुछ, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप दो चीजों पे यदि जोर देंगे तो बहुत आपको सक्सेस मिलेगी मेडिटेशन की, उस लेवल को प्राप्त करने में। एक तो आपको खाना, उसकी याद में खाना है एक एक कौर, तो उसमें क्या होगा, जो तो पूरा ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, और हार्ट जो है जब आप हार्ट पे कंसंट्रेट करके करते हैं तो हार्ट पूरे अंगों को ब्लड सप्लाई करता है, तो आपके हर सेल में वो पॉजिटिव ऊर्जा पहुंच रही है जब आप खाना भगवान की याद में करते हैं। और एक सोने से पहले आधा घंटा आपको नींद में, मतलब आप भले ही लेटे रहिए, मतलब यदि आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं है, आप सोने से पहले आधा घंटा मेडिटेट कर लीजिए, तो आपकी दो चीजें यदि सिद्ध हो गई तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएंगी। तो आज हाँ मैं जनरली सुनती हूँ, लेकिन आपकी को मैं सुन रही हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि ये दो चीजें तो हम कर ही रहे थे, और आपका ये सुन के ये लगा कि ये दो चीजें अनायास ही रिपीट हो गई जो करती ही आ रही हूँ, यानी कि आपने भी उसी चीज के इम्पोर्टेंस को बताया। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है, खाना इस भाव से, और खाना बनाने, हमें एक चीज और जोड़ी थी कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप खाना मत बनाइए, भले ही आप लेट बनाइए, क्योंकि जो जिस भाव से खाना बनाता है खाने वाले के अंदर भी अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो भाव आ जाते हैं। तो ये चीजों का मैं जो है बहुत पालन करती हूँ, अपने घर में भी खाना में भगवान बनाती हूँ तो मैं पूरी तरीके से उसमें डूब के बनाती हूँ, तो इससे पूरे घर का फायदा हो जाता है, जो खाने वाला है उसको भी जिस भाव से बनाया हुआ है वही भाव लगता है। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, बहुत सो मच, आपकी बातें बहुत अच्छी। अभी आप तो गेहूं और सब भरते हैं ना, अभी जी मैं कल बताने वाली हूँ कि कौन से कब भरना है, क्योंकि आजकल के लोगों, लेडीज को ना ये पता ही नहीं कौन सी चीज कब भरना, हम लोगों का। खत्म, मैं जी जी आप सही कह रही हैं, ये जो मार्च में और अप्रैल में जो गेहूं आता है ना उस वक्त टाइम है, जैसे अरहर की दाल है वो सर्दियों में हम लोग भरते हैं, जो यहाँ का रिवाज बता रही हूँ मैं आपको, जो यहाँ रहता है। मैं आपको बताऊंगी, ये तो आपका बराबर है कौन से मंथ में भरना है, लेकिन कौन सा भरना है पता है कि जैसे ये न्यू ईयर है, समझो मुझे इस साल अनाज भरना है तो इस साल का नया नहीं लाना है जो मार्केट में आया है जी, गए साल का भरना है उनके पास जो पुराना, मैं बताऊंगी सब वो साइंस कल। हाँ ये तो है, पुराना चावल अच्छा रहता है, सब पुरानी चीजें, वो पुरानी क्यों भरनी है, बिल्कुल उससे क्या होता है, मैं सब बताऊंगी। फल ताजा लाना है, अनाज पुराना भरना है, इससे क्या होता है मैं बताऊंगी कल, बिल्कुल पक्का बताऊंगी। और आपकी बात सुन के मुझे बहुत लगा कि आप अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। और मैम आप सुन लीजिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बल्कि मुझे गुजरात के लोग बड़े अच्छे लगते हैं, और मैं पहले जिस बिल्डिंग में रहती थी ना वो सब गुजराती बिल्डिंग थी, तो मुझे सब पता है गुजराती। जी जी नहीं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज में वो एक जो टच आता है ना वो मुझे गुजरात का लगा, सरने मैंने नहीं देखा, मैं तो खाली आवाज सुन के आपको बताया हुए यहाँ पे वो जो चीज है जो प्रचलित है। और आप देखिए मैंने तो गुजरात में आके, गुजरात में यही रह गई, मैं कहीं गई नहीं गुजरात मुझे इतना रास आया कि हम लोगों ने कहीं और नहीं। गुजरात ने बहुत अच्छी तरह से जानू छू, गुजरात मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गुजरात को आके कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छा लगता है। चलो यहाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, फॉलो। यस यस सविता जी, सविता जी का हैंड रेज है, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट। यस यस सविता जी, नमस्ते कल्पना मैम, नमस्ते प्रियंका मैम, नमस्ते, वीडियो वीडियो चालू करो। ओके मैम, यस मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आज आपने,
बहुत बिल्कुल दिल में उतर गया। हम लोग ये सारी बातें जानते तो हैं, लेकिन बस यही चीज है कि हम फॉलो नहीं कर पाते। जैसे टीवी के सामने बैठ के खाना खाना, किसी भी चीज से कंसंट्रेशन ना करना, बस जानते हैं लेकिन बस वही है, फॉलो ही नहीं कर पाते। और अनाज का भी जैसे आपने बताया, हमारे मम्मी लोग भी स्टार्टिंग से ही पूरा साल भर का ही अनाज भर के रखते थे। हमारे तो जैसे खेत वगैरह है तो वहीं से सारा अनाज आता है पूरे साल भर का। हम लोग तो स्टार्टिंग से ही बचपन से ही यही सब देखा है कि पुराना अनाज खाना चाहिए, नए को बाद में खाना चाहिए, हाँ। और फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह ये सभी चीज साथ ही खानी चाहिए। तो ये सभी चीजें स्टार्टिंग से ही मैम सब कुछ आपने आज वो पहले की बात सभी याद आ गई। बहुत रिमाइंड रिमाइंड करा दी, रिमाइंड किया सब में मैम। थैंक यू मैम। फॉलो करो, अब फॉलो करो, अच्छे से डायरी लिखो। कल सब लोग डायरी और पेन लेके बैठना और रिमाइंड करना, और जो सुना है उसे फॉलो करना। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Next. Kalpana ji, बहुत ही सुंदर ज्ञान और नॉलेज आपने आज शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, सेम टाइम। आज ही की इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। जी धीरेन सर, पूजा जी किधर है, कुछ बताना चाहते हैं? देखो रचना जी कुछ बताना चाहती है, धीरेन सर, पूजा जी कोई है? नमस्ते कल्पना जी। हाँ जी, हाँ जी पूजा जी बोलिए। बहुत ही बढ़िया सेशन आपका, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही। ईट लेस टू मेडिटेट मोर, बहुत बढ़िया। कम खाना चाहिए, ध्यान अगर ज्यादा करना तो बहुत सही। हाँ। हम भी फॉलो कर रहे हैं और अच्छा ध्यान रख जाता है। वो तो आपको ही सुनती हूँ पूजा जी, मैं आपको ही फॉलो कर रही हूँ, आपको और धीरेन सर को। कुछ मेरे पास नया नहीं है, ये आपका ही ये सब दिया हुआ। मुझे अनुभव आ रहा है, मैं फॉलो कर रही हूँ, यही बदल है, यही चेंज है। जो अर्थ आवर शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइव जो है वो स्टॉप करके 3 बजे लाइव स्टार्ट करेंगे। जूम चालू रहेगा, आप लोग 3 बजे अर्थ आवर के लिए जुड़े रहे। आज का जो शेयरिंग है पूनम जी लेने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग देने वाले पूनम बिनानी जी, और उन्होंने किस तरह से इस पर वर्क किया है मदर अर्थ के लिए, संपूर्ण मूवमेंट का जो हमारा संकल्प है। इस तरह से हम लोग जो 3 बजे हम डेली मिलते हैं अर्थ आवर में और नई नई चीजें आप लोगों के लिए लेके आते हैं, तो आज आप 3 बजे जरूर जुड़े और देखिए पूनम जी ने किस तरह से इस पर काम किया है। डिम्पल जी इस पर बहुत ही अच्छा ध्यान करवाने वाले हैं, तो आप सब लोग 3 बजे से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू पूजा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, सी यू ऑल टुमारो, सेम।